माइक से बोलना आप। सबको नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि 4 जुलाई 2021 से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। आप सभी का लगातार आप सभी का लगातार सहयोग, अपनी शुभकामनाएं, और बहुत से हमारे जो हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई समान जो मित्र हैं, और पत्रकारों में जो हमारे से छोटे हैं, हमारे छोटे भाई के समान, सभी ने किसी ने शुभकामनाएं दी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने स्नेह दिया, और ये जो भी समय मिला था वो समय पूरा हो गया और आचार संहिता लागू हो गई है, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। हम अपनी प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं। इस समय में थोड़ा, क्योंकि कोरोना महामारी भी है, और कोरोना महामारी के कारण से और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों में चुनाव थोड़ा विषम परिस्थितियों में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हमारे लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं, लोगों की जान माल की सुरक्षा भी, और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अपना सबका भाग लेना, योगदान देना, और इसको लेकर हमने आचार संहिता 8 तारीख को लागू हुई थी, हमने उससे पहले ही, क्योंकि कोरोना तेजी से फैल रहा था, हमने 7 तारीख से ही 16 तारीख तक सभी प्रकार के जितने भी आयोजन थे, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, रैलियां, जुलूस, इन सभी को हमने प्रतिबंधित किया था। और अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन आ गई है, तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब जो भी उनके निर्देश होंगे उसके क्रम में काम चलेगा। हम चुनाव के लिए तैयार थे और तैयार हैं, हम जीत के प्रति भी आश्वस्त हैं, और लगभग 6 माह का समय मुझे मुख्य सेवक के रूप में मिला। हम सभी ने मिलकर जो है इसमें काम किया, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए हैं, एक एक पल और एक एक क्षण हमने प्रदेश की सेवा में लगाने की कोशिश की है। हम इन्हीं सभी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में और 7.5 सालों में पूरे 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहां उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं, और वो स्वीकृत हुई हैं, साथ में बहुत सारी योजनाएं उसमें से पूरी भी हो गई, बहुत सारी पर अभी काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे तो देहरादून में 18,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया था, और अभी हल्द्वानी जब आए थे तो 17,500 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसमें से बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने आ भी चुकी हैं, जैसे अभी हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें तो उसमें लगभग काफी सड़कें बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी बहुत सारी जो सड़कें हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत सारी बनने वाली हैं, और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाली, एक के बाद एक। अगर हम बात करें ऋषिकेश से सीधे 4 धाम को जाने वाली सड़कें हों, या देहरादून से दिल्ली जाने वाली सड़कें हों, देहरादून से हरिद्वार को जाने वाली सड़कें हों, या हमारी बनने वाली एलिवेटेड रोड
जो दिल्ली से देहरादून बनेगी। आज हम लगभग 4 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय करते हैं, आने वाले समय में ये दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। ये अपने आप में 12 किलोमीटर जिसमें जंगल के अंदर है, उसमें कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, वो सड़क बनेगी। इसी प्रकार से अगर हम हरिद्वार से नजीबाबाद होते हुए, नजीबाबाद धामपुर काशीपुर होते हुए रुद्रपुर तक जाएंगे, रुद्रपुर से सीधे हम टनकपुर वाया पिथौरागढ़ जाएंगे, तो आज आप तब और अब में अगर तुलना करेंगे आप तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर हल्द्वानी काठगोदाम से रामपुर तक जाने वाली सड़क, अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी, और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे, लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉडगेज के लिए वहां पर जारी हो चुका है, और आने वाले समय में वो योजना भी हमारी 155 किलोमीटर की धरातल पर उतरेगी। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है, और जो एक एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा। हवाई कनेक्टिविटी की हम बात करें तो आज देहरादून का एयरपोर्ट जो पहले 200-250 की क्षमता का होता था, आज 1600 क्षमता का वो बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से डिमोलिश करके नया बनाया जाएगा। चाहे हमारा आज पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, उसको बनाने की प्रक्रिया, उस पर DPR की प्रक्रिया गतिमान है, हमने नए हवाई रूट ढूंढे हैं, उस पर जल्दी सेवाएं चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं, कुछ पर चल रही हैं। इसी प्रकार से हम अगर कोई भी क्षेत्र उठाकर देखेंगे तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो, चाहे आपने रेल क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क क्षेत्र की बात हो। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी लगातार बहुत सारे हमने फैसले लिए, लगभग 500 से भी ज्यादा फैसले लिए, और ये केवल फैसले ही नहीं लिए, इन सभी को हमने धरातल पर उतारा है, उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उन सभी के लिए वित्तीय प्रबंध किया, और उन सब घोषणाओं को उनके शासनादेश भी जारी कर दिए, उनकी धनराशि भी जारी कर दी है। अभी आज ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे कामों के बीच में ये चुनाव होने वाला है। सभी जानते हैं कि 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस सरकार को भी सब लोगों ने देखा था किस प्रकार के कृत्य उस सरकार ने किए हैं। हमारा लक्ष्य है मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं वो काम ही हमारा प्रचार करने वाले हैं। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं हमारी पार्टी पूरे रूप से सभी का पालन करेगी। हमने 2025 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हम देश के श्रेष्ठ राज्य बने, हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, उसको बनाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है, लगातार काम किया है। सभी विभागों को 10 सालों का एक रोड मैप बनाने के लिए भी हमने कहा है, उन्होंने सबको विजन कि अपने अपने डिपार्टमेंटों का 10 साल का एक रोड मैप बनाए, उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। और अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहां जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहां की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहां से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। यही हमारा एक
दोबारा बोलूं क्या? है? किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। कांग्रेस की हालत यह है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुपर बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है आज कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है, उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, कोई कोंदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, हमेशा से तुष्टिकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, तब से लेकर आज तक लगातार देश के अंदर विकास की बात हो रही है, देश के अंदर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो रही है। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, वो सारी योजनाएं वो एकदम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चली हैं, चाहे आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या गरीब कल्याण योजना की बात करें, सारी की सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और जो पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है, वो पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, और हम उत्तराखंड को, जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा, और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासीन हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम देश के अग्रणी राज्य बनेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता हमारे कदम से कदम मिलाएगी, हमें अपना आशीर्वाद देगी, और हम उस ध्येय को प्राप्त करेंगे। आपका धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि सभी के प्रश्न के जवाब स्पष्ट रूप से आ जाएंगे और सभी को सुनने में सुविधा होगी, इसलिए मेरा अनुरोध जो नाम यहाँ से बोला जाएगा वही अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनसे करेंगे। श्रीनिवास पंत जी, सारा समय इस तरीके से पुलिस का ग्रेड पे वाला जो मामला था, आप जब मुख्यमंत्री बने तो धामी जी पर उत्तराखंड की जनता ने एक भरोसा किया, जो पूर्व के दो मुख्यमंत्री थे
उनके प्रति जो अविश्वास था वो भी धामी जी ने पूरा किया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? आचार संहिता से पहले आपने 2 लाख की एकमुश्त रकम उनको देने की बात स्वीकार की, ग्रेड पे न बढ़ा करके अब पहली बार उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था धरना प्रदर्शन के रास्ते पर। देखिए, मैं पुलिस के लोगों की जो उनकी मांग है या उनकी जो जरूरत है उसको बहुत भली भांति जानता हूं। बहुत आकलन हमने किया है, बहुत हमने उस पर विचार भी किया है, और हमने पूरे 4 सालों का जो उनके ग्रेड पे मिलने के बाद जितना वेतन उनको मिल सकता था उससे ज्यादा एक मुश्त देने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि ये अन्य विभागों से भी संबंधित था। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई बात होती तो हम लोग देखेंगे, निकट भविष्य में उस पर विचार करेंगे, और हमारी पूरी सहानुभूति उन पुलिस के अधिकारियों के साथ है और पुलिस के कर्मचारियों के साथ है, उनके परिवारों के साथ। न्यू नेशन से सुरेंद्र शिलानी। सर, आपने अभी कुछ दिनों पहले दायित्व बांटे, पहले बीच में जो दायित्वधारी बनाए थे वो तीरथ जी के टाइम पे सब हटा दिए गए। अगर दायित्वधारी बनाने जरूरी थे तो बीच में क्यों नहीं बनाया आपने? अंतिम समय में बस आचार संहिता से 1-2 दिन पहले में ये डिसीजन क्यों लिया? क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी का डर था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो आयोग वगैरह जो जरूरी थे वो कोई दायित्व नहीं है, जो आयोग है, जो परिषद है, जिनमें मैंडेटरी है कि उसमें होना है, हमने वही किया। विनोद कुमार जी, एबीपी न्यूज। सर, आचार संहिता से लगने से ठीक पहले एक दिन ऐसा रहा पूरे सचिवालय में कि ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स और आयोग में नियुक्ति हुई, सदस्यों की नियुक्ति हुई, ये इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, और आपने ये भी कहा कि हमने पिछली सरकार में देखा कि कैसे डंपर चल रहे थे अवैध खनन को लेकर, पूरी तरह से कांग्रेस ने आप पर रस्सी बिछाना चाहता है आपकी सरकार पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि देखिए, कोई ऐसे लोग आरोप लगाएं जिन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हों, एक भी मामला बताइए कि कहीं पर कोई ऐसी बात आई हो कि कहीं पर अवैध खनन हुआ हो, अवैध गड़बड़ी हुई हो, अवैध कोई नियुक्ति हुई हो। अगर जहां भी हुई है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 2-2, 3-3 बार पीसी करके पत्र लिख के, पुलिस के महानिदेशक ने पत्र लिख के, और सारे पुलिस कप्तानों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी अगर आप लोगों के बीच में से भी कोई बात आती है तो आप तत्काल बताएं। और वो लोग जिनके आसपास नारे लगते थे 1980 के आसपास, लकड़ी लीसा बालू चोर, इसके और आप भी लोग बता दीजिए, 1980 का देख लीजिएगा, वो लोग अगर कोई बात उठाएं तो समझ से परे। अगला बोलिए। ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी मुख्य सचिव को पत्र लिखना पड़ा अवैध खनन के लिए? किशोर क्या बताइए। नहीं नहीं, आप लोगों के बीच में से बात आती है तो उस बात को हमें करना है कि जनता के लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कोई बात उठाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी जागरूक सरकार उस पर कार्रवाई करती है तो सरकार ने कार्रवाई की उस पर। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है उन्होंने फिर दिया, त्रिवेंद्र जी हटाए गए, तीरथ जी हटाए गए, और उसके बाद आपके कमान संभाली गई। आप भी बहुत सारे आरोप लगा रहे, कांग्रेस खनन के हो गए, या अभी जिस तरीके से 7 तारीख का ऑर्डर है, ट्रांसफर कुछ होते हैं आचार संहिता के बाद सामने आते हैं, तो इनको लेकर क्या है आपका जवाब? 1 सेकंड में आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि रिपीट न करें कोई क्वेश्चन, जो एक बार आ गया उसको दोबारा न करें कोई और। आगे आप तो आचार चेंज कर रहे हो सर, ये हमिंग कर रहा है, ये ना ये एक ना ये यहाँ पर देखिए, जो ये 2017 में जब 2017 में जब आचार संहिता लगी थी उस समय का किशोर, आगे आगे इस फोटो सबको दिखा दो, मेरे मोबाइल दिखा दो, दिखा दो, जूम करके देख लो जरा। अरे भाई, आरोप कोई अच्छा आदमी लगाए जिसने पारदर्शिता से काम किया हो, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आपसे, कोई मुद्दा है क्या? एक मुद्दा हो तो बता दें, हम सब मुद्दों का जवाब देंगे विभाग। गलती के आप ही गलती करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कहा कि कोई मुद्दा हो तो बताएं। सर, आपने अपनी एजेंडे में डिबेट रोजगार को लेकर के काफी लंबे समय से यहाँ पे हो रही है, सदन से लेकर के अभी भी कांग्रेस रोजगार पर सवाल उठा रही है,
रोजगार को लेकर के जो आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, सदन में पिछले बार जब कहा गया कि 7 लाख रोजगार, 8 लाख कहा गया, अब 7 लाख पे आ गए। अभी आज हरीश रावत ने भी कहा कि रोजगार को लेकर स्पष्ट आंकड़े क्यों नहीं है, तो क्या आप स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से रोजगार पिछले 5 सालों में सुधार नहीं है? देखिए, ऐसा है कि वो आंकड़े पूरे के पूरे हम आपको हर विभाग के उपलब्ध करा देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने पिछले 6 माह में लोक सेवा आयोग में 24,000 जो पदों की भर्ती प्रक्रिया होनी थी उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 1734 पद इस बार हमने पहली बार निकाले कई वर्षों बाद। अभी इस तरह के सभी विभागों को हमने निर्देश दिया है कि सभी विभाग जो है जहां जहां भी भर्तियां हो सकती है वो भर्तियां करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, माननीय तो बहुत वरिष्ठ नेता है, नाम आप लोग खुद ही जान जाइए, नाम लेना मना है। मैच मेरा उनसे है ही नहीं, किसी से नहीं, कोई सामने है, लेकिन मेरा हाथ उस दिन फ्रैक्चर हो गया नीचे, लेकिन मैं रन आउट नहीं हुआ और उसके बाद भी मैंने 14 रन बनाए। विनोद तुम तो थे और टीम भी जीती। रतन जी, मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस से तो ठीक है आपकी जो बात है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग जो आपको हराने में तुले उनका क्या करेंगे आप? एक सवाल ही ऐसा कोई आदमी है क्या जिसने कहा है कि मैं भाजपा को हरा रहा हूँ, भाजपा में रहेगा? देखिए, ये कांग्रेस में है, कांग्रेस में जरूर है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या हुआ, कैसे कैसे ट्वीट हुए, कैसे कैसे अखबार आए, कैसे कैसे झगड़ा हुआ। अभी कुर्सी तो दूर है ना, आने की कोई उम्मीद है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई कितनी तेज है, दिल्ली से लेकर देहरादून तक उल्टा पुल्टी हो रही है, कितने गिरोह में बटे हुए। वो अन्य पार्टियों में होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि मैं आयु में छोटा हूं, उसके बाद भी अगर किसी पार्टी में संभव होता है तो मेरे जैसे नौजवान को, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मुख्य सेवक बना दिया जाता है और पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है। सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया, मित्रों ने साथ में चल के सहयोग किया, छोटों ने जो है एकदम हामी भरी, सारे लोग साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, लिस्ट से आगे सवाल पूछ सकते हैं या लिस्ट वाली अगली बार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं? आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमने पहले आपकी सुविधा के लिए किया है। ये एक चीज मैं बता दूं, ये आप पत्रकारों का असम्मान कर रहे हैं। चलो एक बार अभी दोबारा अभी कर देना, आप अलग से पूछ लीजिए ना। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है, जो पुलिस कार्मिक है ग्रेड पे को लेकर के उनके परिजनों का सीधे तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री को हम हराने के लिए तन मन धन से काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर जवाब उस पर एक बार जवाब आ गया। सर, ये जो बात उन्होंने कही है तन मन धन, ये तीन बातें उन्होंने कही है खुले तौर पर, उन्होंने चैलेंज किया हराने के लिए। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसमें जिसकी जहां श्रद्धा होगी वो वहां जाएगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर, अभी जो तबादले हुए हैं शिक्षा विभाग में, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षकों को ऑप्शन के तौर पर 4 से लेकर 7 विद्यालयों के नाम दिए गए। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको तबादलों के आदेश मिले, उन्हें कहा गया या तो आप देहरादून में ज्वाइन कीजिए या फिर आप हरिद्वार में ज्वाइन कीजिए, अलग अलग स्कूलों के नाम दे दिए गए। ऐसा कहां मिलता है? नहीं, क्या जो तबादले हुए इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जो धारा 27 के तहत तबादले हुए, पहले तो शिक्षकों का ये आरोप है कि इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है, पहली बात ये। और एक टीचर का यदि अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे 4 स्कूल ऑप्शन के तौर पर दिए जा रहे हैं, पहली बार तो, ऐसा देखने को मिल रहा है। एक सवाल ये कि सर, जो धारा 27 के तहत कई शिक्षकों की हमसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो धारा 27 के तहत तबादला के लिए योग्य थे लेकिन उनका तबादला नहीं किया गया, इसे किस रूप में आप लेते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि चूंकि तबादले कितने हुए हैं सब मैक्सिमम 1000 से ऊपर हो गए सर, गेट में 1000 हुए ही नहीं है, आज 600 आप ही लोगों ने लिखे हैं, मेरे को तो लगता है 600 भी नहीं हुए हैं पिछले एक महीने का। और नहीं, 1000 कह रहे थे ना सर, नहीं छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी बोल लेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, जैसे हम लोग आपके छोटे भाई हैं। तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये तबादले जो है ये कई हजारों की सिफारिश है और हजारों में से सैकड़ों हो गए,
सैकड़ों हुए हैं, अगर कहीं पर ऐसी कोई वो हुई होगी तो उसका संज्ञान ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, और अब तो चुनाव आयोग जारी हो चुका है, इसलिए अब इसमें मेरा बोलना उचित भी नहीं। बहुत बड़ा मामला है पीआरओ वाला, क्यों? एक अपना सा बेचारा, उसने जो है कोई एक पत्र लिख दिया होगा, वो भी हम लोगों ने उसकी जांच करवाई थी, तो वो कोई सच्चाई नहीं निकली। उसकी जांच के बाद जब जांच रिपोर्ट आ गई तो हमने बहाल कर दिया। सर 2017 में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी थी, 2022 तक 5 सालों में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर रहे, 2017 में डबल इंजन का जोश दिखा था, 2022 में क्या लगता है वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से होगी, क्योंकि 5 सालों में बहुत नेगेटिव पॉइंटर्स आए, पॉजिटिव आए? देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सब चलते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, जो पॉजिटिव हो जाता है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस बार हमारी पार्टी ने नारा दिया, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, क्या नारा दिया अध्यक्ष जी? क्या कहा? युवा नेतृत्व, युवा मुख्यमंत्री, अब की बार साठ बार। युवा नेतृत्व, युवा मुख्यमंत्री, युवा राज्य, अब की बार साठ बार। आप भी बोलो ना एक बार, अब की बार। अब की बार नारा दिया है अध्यक्ष जी ने, अब की बार साठ पार। विनोद बोलो भाई, विनोद बोलो, कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़ा बहुत हो सकता है, तुम यहाँ तो बोल ही सकते हो, तुम बोलोगे। पिछली बार मैनिफेस्टो में आपका था, लोकायुक्त था, स्थायी राजधानी था, किसानों का कर्ज माफी था, एक इन सब पे किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ, इसको अब की इस बार कैसे घुमाएंगे जनता की राजधानी? देखिए हमने इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है, एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, और आवश्यकता अनुरूप जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में जरूरी था वो सारे निर्णय हुए। लोकायुक्त कहा है 8 दिन में बोला, पहली कैबिनेट का पहले सौ दिन में बोला, ऐसा कोई ऐसा लगा कि आपको भी लोकायुक्त होना बहुत जरूरी था? अभी आप तो जो है आप तो उन्हीं की बात बोल रहे हैं जिन्होंने जो है लोकायुक्त में आने वाले सारे काम किए, अब वो कह रहे हैं कि लोकायुक्त नहीं लगी भाजपा। मेरा सवाल यह है कि 5 साल पहले जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का था, और अब 5 साल जब सरकार वाला रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही है, क्या उसमें कितना कर पाए, और अब जो मैनिफेस्टो होगा उसमें क्या ऐसा नया देखने को मिलेगा जो बीजेपी जनता के बीच में लेकर जाएगी? नहीं, अब हम लोग अगले 10 सालों का विजन डॉक्यूमेंट अभी लाएंगे आपके सामने, उसको रखेंगे, जो जो छूट गया है उसको आगे करेंगे। सर एक मेरा सवाल यह है कि अब कुछ दिन बाद जनता के बीच में जाएंगे वर्चुअली भी और शारीरिक तौर पर, जब वहां पर होंगे तो क्या त्रिवेंद्र सरकार की जो 4.5 साल है उनके कार्यकालों को आप गिनाएंगे, उनके कामों को गिनाएंगे, या आपके जो 6 महीने के काम है उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे? अभी तक मैंने जितनी बार भी मैं मीडिया में आप लोगों के सामने आया हूँ या जितने भी मेरे भाषण हुए हैं, मैंने क्या गिनाया अभी तक? अभी हमने 7 तारीख को कार्यक्रम किया था, उसमें हमने कहा था 5 साल बेमिसाल। शादी कब हुई, विधवा कब हो गया? अब जो है उनकी, ए भैया अब उनकी आयु ज्यादा हो गई है। फिर से बोलते एक बार पीछे, विकास भैया जी, गनी जानी से विकास हो गया, अरविंद शेखर जी, अरविंद शेखर जी सवाल कर रहे, सवाल कर रहे मंत्री जी, आलोक शर्मा जी, उन्हें कौन फैल रहा है और इतनी भीड़ बनाती गई है, क्या ये अंतिम हो गया, इसके बाद वर्चुअल होगी या ऐसी जल्दी रहेगी, भीड़ बनाना नहीं रहेगा? देखिए आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग अमल करेंगे। आलोक शर्मा जी, जी जी महिला और युवा अच्छी मात्रा में आएंगे,
जी मेरा सवाल है, 6 महीने आपने कार्यकाल, कभी आपने आपने मुख्यमंत्री खुद को नहीं बताया, स्वयं सेवक बताया, क्या लगा मुख्यमंत्री बताएंगे तो लोग सभी खराब हो जाएगी आपकी? अरे मुख्यमंत्री तो भाई मुख्य सेवक बोल गया तो क्या खराब है? आपका धन्यवाद आप लोगों का। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई।